अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विच इज़ अनबॉक्सिंग ऑफ टॉयज़। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपके लिए एक नया ही और बहुत मज़े का खिलौना लेकर आई हूँ। ये जो टॉय है, दिस इज़ स्पेशली फॉर गर्ल्स। सो हमें कुछ मैसेजेस भी मिले थे, कुछ मेल्स वगैरह मिले थे कि हम गर्ल्स के जो खिलौने हैं वो इतने ज़्यादा आपसे शेयर नहीं करें। सो आज जो मैं खिलौना लाई हूँ वो स्पेशली जो है गर्ल्स के लिए है। सो वो जो टॉय है वो आपके सामने ही पड़ा हुआ है। सो चलिए आइए देखते हैं कि वो टॉय है क्या। जी फ्रेंड्स, सो ये है मिनी मिक्सर। आप इसके ऊपर जो चीज़ें बनी हुई हैं उसको भी देख सकते हैं, विच आर वेरी अट्रैक्टिव, और अंदर से ये उतना ही मज़े का है जितना ये आपको बाहर से नज़र आ रहा है। सो सबसे पहले देखते हैं कि ये कितने ईयर्स के बेबीज़ के लिए। यहाँ पे जो वार्निंग है वो देखिए लिखी हुई है, चॉकिंग हैज़र्ड स्मॉल पार्ट्स नॉट फॉर चिल्ड्रन अंडर 3 ईयर्स। यानी कि इसे पता चल रहा है कि ये 3 ईयर्स या उससे ज़्यादा के उम्र के बच्चों के लिए यूज़फुल है। सो वो इसको यूज़ करें, अगर उससे कम के यूज़ करेंगे तो उनके लिए नुकसानदेह भी हो सकता है। अच्छा जी, इसके अंदर 2 सेल डलेंगे। सो सेल अब हम खोलेंगे तो पता चलेगा कि आम घड़ी वाले सेल है या दूसरे सेल डलते हैं। फॉर एजेस 3 एंड अप, 3 साल और उससे ज़्यादा की उम्र के बच्चों के लिए। ये है इसका फ्रंट से कि अंदर से इसके पार्ट्स किस तरह है। बैटरी ऑपरेटेड है, बैटरी यानी कि सेल से चलते हैं। प्ले सेट है, सेफ एंड आइडियल फॉर लिटिल कुक्स, यानी कि जो छोटे बच्चे कुकिंग करना चाहते हैं और उन्हें कुकिंग का शौक़ होता है, अपनी मामा को वो किचन में कुकिंग करना देखते हैं और फिर उनका भी दिल करता है कि वो कुकिंग करें, तो हम उनको ज़ाहिर बात है बड़ी चीज़ें तो पकड़ा नहीं सकते। सो हम उनके लिए इस तरह के जो टॉय है वो बोरो कर सकते हैं, मतलब बाय कर सकते हैं, सॉरी। सो उससे क्या होगा, एक तो वो मतलब इंजॉय करेंगे, दूसरा मतलब छोटी उम्र से ही उनके अंदर ये जो हैबिट्स है ये डेवलप होना शुरू हो जाएगी। सो फ्रेंड्स, चलें मज़ीद बातें किए बगैर इसको हम ओपन करते हैं और देखते हैं कि इसके अंदर से क्या निकलेगा। इसको इसी साइड से ओपन कर लेते हैं जी। तो दोस्तों, इसके अंदर है ये एक बॉक्स पे ओपन होगा जी। ये देखिए, सबसे पहले ये चीज़ ये निकल आया है, और ये देखिए ये बटन्स भी इसके ऊपर बनाए गए हैं, और इसकी बैटरी हम इधर से ओपन करेंगे और इसके अंदर हम जो 2 सेल हैं वो डालेंगे जैसा कि बाहर मेंशन किया हुआ है। सो यहाँ पे इसके ऊपर ये देखें, ये लीटर्स भी मेंशन है, तो मैं करीब करके दिखाती हूँ सो आपको पता चलेगा। इसके ऊपर ये इस तरह से ये उतर भी जाता है जैसे हमारा ग्राइंडर उतरता है। सो इसको दोबारा लगा देते हैं जी। तो दोस्तों, ये है इसका, मैंने फिर से लगा दिया। अच्छा, अब क्या है, अब सबसे पहले इसके अंदर जो है वो बैटरी हम यहाँ से डालते हैं। तो इसके अंदर डलेंगे 2 सेल्स, और ये मेरे पास 2 सेल्स हैं और वो मैं इसके अंदर डालने लगी हूँ। 5 सेल डलेंगे जो कि हम घड़ी में डालते हैं जी। दोस्तों ये देखिए जी, ये मैंने उल्टा लग रहा है, ये हाँ सीधा, ये मैंने इसके अंदर 2 सेल डाल दिए। अब देखें इसके ऊपर क्या बना हुआ है जी। इसके यूज़ करते हुए आप शेक भी बना सकते हैं। स्पेसिफिकेशंस, कलर्स एंड कंटेंट्स मे वेरी फ्रॉम इलस्ट्रेशन, यानी कि कलर्स आपको डिफरेंट भी मिल सकते हैं। सो अब इसके अंदर हम शेक भी बना सकते हैं। अब ये चलेगा कैसे, ज़रा देखते तो है। इट्स वर्किंग, वेरी गुड। अच्छा जी, और भी कुछ है इसके अंदर, ज़रा उसको भी देख लेते हैं। ये कुछ अच्छी लग रही है मशीन, ये भी है, ये भी। ओहो, ये देखिए दोस्तों, ये इसका बाउल है, खूबसूरत सा बाउल है। और ये देखें, इसको हम इधर रखेंगे। और ये है मिक्सर, है मिनी मिक्सर, यानी कि इसके अंदर कोई भी चीज़ डाल के जैसे हम मिक्स करते हैं उसको हम अच्छे तरीके से इसके अंदर डाल के मिक्स कर सकते हैं। सो देखते हैं अब इसके इसको कैसे चलाना है। इसके लिए भी कोई बैटरी, हाँ जी दोस्तों, सो इसके लिए भी बैटरी है यहाँ पे। अब मैं इसके अंदर भी जो है वो 2 सेल्स डालूँगी। पहले इसको ओपन करते हैं, इसके अंदर भी 2 सेल ही डालेंगे।
एंड आई हैव टू मोर सेल्स हेयर। तो देखिए मैंने इसके अंदर एक ये और एक ये उल्टा हो गया, ये सेल डाल दिए। चलिए जब इसको बंद कर देते हैं सॉरी ये देखिए हम जैसे कोई भी चीज़ इसके अंदर जैसे डाल देंगे और वो हम इसके अंदर मिक्स कर लेंगे। इन्होंने यहाँ पे ये देखिए अगर इधर कॉफ़ी भी बनाई है इसके अंदर, सो बच्चे अपनी कॉफ़ी भी यहाँ पे खुद बना सकते हैं। चलिए देखते हैं कैसे ये देखें ये मशीन चलना शुरू हो गई है। सो मैंने यहाँ पर थोड़ा सा जो है ये वाटर ग्लास में लिया हुआ है यहाँ पे आपको एक डेमो देने के लिए। देखिए मैंने यहाँ से इसको ओपन किया, मुझे शेक बनाना है यहाँ के, इट्स जस्ट अ टॉय। ठीक है ये देखिए अभी माशाल्लाह इट्स वेरी ब्यूटीफुल टॉय। दोस्तों जब हम बचपन में होते थे तो मतलब इस कदर खूबसूरत टॉयज नहीं होते थे, अब इतने भी पुराने नहीं, लेकिन ये है कि इतनी मतलब अब वैरायटी आ गई है कि दिल करता है कि इंसान फिर से अपने बचपन में चला जाए और इतने खूबसूरत खूबसूरत जो टॉयज़ हैं वो उसको बाय करे। चलिए एक एक्सपेरिमेंट और करते हैं, थोड़ा सा वाटर इसके अंदर भी डाल लेते हैं, मज़ा तो आ रहा है वैसे। देखिए दोस्तों और ये इस तरह से जो है मशीन इसको मिक्स करेगी। सो मुझे तो बहुत ही मज़े का लग रहा है, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। इसको भी चला देते हैं। सो दोस्तों वेरी 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 इंटरेस्टिंग टॉय। सो अगर आपके बच्चों को भी मतलब बच्चियों को किचन में मामा के जो चीज़ें हैं वो यूज़ करने का बहुत शौक़ है तो आप उनको ये लेके दे सकते हैं और इससे क्या उनका शौक भी पूरा हो जाएगा और साथ ही साथ जो है उनके अंदर मतलब ये चीज़ भी डेवलप हो जाएगी कि मतलब इसको किस तरह से यूज़ करना है बड़ी चीज़ों को, और मतलब उनकी एक प्रैक्टिस हो जाएगी। सो दोस्तों ये तो था आज का टॉय। सो अगर आपको ये टॉय आज का अच्छा लगा हो तो मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि दूसरे लोगों तक भी ये वीडियो पहुंच सके, और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि मेरी हर आने वाली नई जो वीडियो है वो आप तक पहुँच सकें। सो दोस्तों इस मज़ेदार टॉय के साथ अपनी ये वीडियो इधर ही ख़त्म करते हैं। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू, हाफिज़, बाय बाय।